को देखने के लिए, वो आप लोग देख के आए होंगे, है ना? देखे कि नहीं देखे स्टूडेंट, यस सर, है ना? तो चलिए हम लोग ऑल प्रिपेयर्ड आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। आज हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा इवनिंग सा। सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। देखो एक टर्म यहाँ पे है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। देखो सॉल्यूशन जो होती है ना, बेसिकली सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ओके ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। तो नॉर्मली यदि आप सॉल्यूशन को डिफाइन करोगे तो कुछ इस तरह ही हम लोग डिफाइन करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। ओके, तो एक इमेज भी दिख रही है आप लोगों को, बगल में एक इमेज दिख रही है, तो मुझे बताना कि सॉल्यूट कौन सा है इसमें। ये जो ऊपर से मैं चीनी डाल रहा हूं वो सॉल्यूट है कि वो सॉल्वेंट है? चीनी सुगर इज अ सॉल्यूट है, सॉल्यूट। शुगर सॉल्यूट है, ठीक है ना? जो हम लोग मिलाते हैं उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, जिसको हम लोग मिलाते हैं उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। जिसमें हम लोग मिलाते हैं, जैसे कि पानी में मिला रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाती है तो क्या तैयार होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन, है ना? तो ये नमक मतलब चीनी पानी आपका तैयार हो गया। तो सॉल्यूशन को बेसिकली डिफाइन क्या किया जाता है कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है। देखो होमोजीनियस शब्द का मतलब क्या होता है, ये जो नमक पानी है या चीनी पानी है, आप इसको यहां से निकाल के पियो तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का मिठास लगेगा, आप इसको यहां से निकाल के पियो आपको इक्वल मिठास लगेगा, यहां से निकाल के पियो वैसा ही मिठास, यहां से निकाल के पियो वैसा ही मिठास। तो सॉल्यूशन जो होता है ना उसमें प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है चारों ओर। ओके, तो प्रॉपर्टी यदि यूनिफॉर्म रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी वाला मिक्सचर होता है जो तैयार होती है एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने से। ओके, देखिएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ओके, देखो कितना सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट मौजूद है सॉल्यूशन में यदि हमें ये बताना है तो हम लोग अलग अलग टाइप के कंसंट्रेशन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, और कंसंट्रेशन बताने के अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, तो चलो हम लोग उन तरीकों को देखते हैं जिसके मदद से ये बताई जाती है कि एक सॉल्यूशन में कितनी सॉल्यूट प्रेजेंट है। चलिए, सबसे पहला तरीका होता है परसेंटेज बताने का, मतलब कि कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। ओके, मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है ना,
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, बोलने का मतलब यह है कि आपके पास 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है ना। आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन, और उसमें आपने कितना ग्राम सॉल्यूट मिला के रखा है, इस परसेंट को यदि हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम बोलते हैं इसको मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज को अक्सर डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी लिखा जाता है। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का यदि मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं तो फॉर्मूला कैन बी रिटन एज मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, ग्राम में ले लिया आपने, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, इनटू 100, तो आपको एक परसेंट मिलेगा, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। ओके, कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन। जैसे कि मैं बोलता हूं, मान लो एक पल के लिए 35% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू NaCl सॉल्यूशन, यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप क्या समझोगे। ओके, पहला चीज तो आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि सर ये बोलना चाहते हैं कि 35 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या सर ये भी बोल सकते हैं 35 ग्राम NaCl प्लस 65 ग्राम वाटर। क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा? बोल सकता हूं। 35 और 65 मिलके तो 100 ही हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गई सॉल्यूशन, तो इन 65 ग्राम वाटर बोल दो या सॉल्वेंट बोल दो, ठीक है ना। तो ये कहानी आ गई मास बाय मास परसेंटेज, वेरी सिंपल। दूसरा एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, दिस इज व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, ग्राम्स में, ओके, इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ये ध्यान में रखिएगा। सॉल्यूट कितना ग्राम 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ml सॉल्यूशन, वो परसेंट हम निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं W by V भी बोलते हैं, शॉर्ट में लिखा रहेगा W by V। तो इसका मतलब समझ लेना कि सॉल्यूट ग्राम में दिया हो गया है और पूरी सॉल्यूशन 100 ml। वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, परसेंट W by V का फॉर्मूला यदि लिखते हैं तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इनटू 100, तो ये परसेंट आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। मान लो मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं 25% डब्ल्यू बाई वी ग्लूकोज सॉल्यूशन। ओके, तो मैं जो जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं आप मुझे बताना ये सही है कि गलत। 25 ग्राम ग्लूकोज इन, सॉरी, 75 ml सॉल्वेंट, इज दिस स्टेटमेंट राइट?
क्या ये स्टेटमेंट राइट है कि गलत है, मुझे बताइए। राइट राइट नो सर। किसी बच्चे को लग रहा है नो सर। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। आपने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ा होगा, जहां पे आपने पढ़ा है कि 5 ग्राम और 10 ग्राम ऐड करते हो तो आता कितना है, 15 ग्राम। बट आपने लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन पढ़ा है क्या कि 5 लीटर और 10 लीटर ऐड करेंगे तो 15 लीटर होगा? नो सर। आपने ऐसा कोई लॉ पढ़ा ही नहीं है। लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन नाम का कोई लॉ होता ही नहीं। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि आप वॉल्यूम को ऐड नहीं कर सकते। ओके, सिमिलरली मास और वॉल्यूम को आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे आप 5 केजी कोई चीज लोगे और 10 लीटर आप कोई चीज लोगे तो 15 होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना? तो हमेशा मास और मास को आप ऐड कर सकते हो, ये तो समझ आ सकता है। बट वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी, ना ही मास और वॉल्यूम एडिटिव, ये दिमाग में रखना। सिर्फ मास और मास को ही आप ऐड कर सकते हो बच्चों, ये दिमाग में रखिए। ओके, तो ये बोलना बिल्कुल गलत हो जाता है। यू कैन नॉट टेल इट लाइक दिस। हाँ, आप ये बोलो 25 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सॉल्यूशन, ये बोल दो, चलो ये समझ आता है कि 100 ml सॉल्यूशन है उसमें 25 ग्राम है। बट आप बोलो 25 ग्राम और 75 ml मिलके 100 ml हो जाएगा, ना ये गलत है, ठीक है ना बेटा? क्योंकि मास और वॉल्यूम तो एडिटिव होती नहीं, समझ गए? नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना? तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे यदि, तो इट्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसमें मिलीलीटर में, ओके, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ml सॉल्यूशन है और उसमें कितना ml सॉल्यूट है उस परसेंट को आप बताओ। इसको नॉर्मली कभी भी लिखा जाता है इस तरह, परसेंट v बाई v, ओके, v बाई v लिखते हैं हम लोग। गॉट इट? इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्लियर? गॉट इट? वेरी सिंपल, ओके। अब चलो मैं बोलता हूं 35% V by V इथेनॉल सॉल्यूशन, ओके, मतलब इथेनॉल को मैंने क्या किया, वाटर में मिलाया। तो इसका मतलब यदि मैं बोलता हूं ऐसे कि 35 ml इथेनॉल इन 65 ml वाटर, क्या सही होगा ये? नो सर। नो सर, क्योंकि वॉल्यूम ऐड नहीं होती। तो हम इसका मतलब यही बोल सकते हैं 35 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। हाँ, अब सॉल्वेंट 65 है, 65 से ज्यादा है, 65 से कम है, हमको नहीं मालूम। बट हमको ये मालूम है कि 100 ml सॉल्यूशन है जिसमें 35 ml इथेनॉल, ओके, व्हाट इट? बट ये मत बोल देना कि 65 ml क्या सॉल्वेंट, ये बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव, दिमाग में रखिएगा, वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव, वॉल्यूम को ऐड नहीं कर सकते आप, ओके। बहुत सिंपल सी चीज है ये, आप लोगों को ऑब्वियसली मालूम होनी चाहिए ये चीज। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन सबसे पहले देता है आंसर। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दे सकते हो। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट 25/2। हाँ, 25/2
चलिए बताइएगा। तो आप लोगों को W बाई W निकालने बोला गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम है। नीचे में कितना लिखेंगे जल्दी बताना, तो 360। अरे मास ऑफ सॉल्वेंट आता है बेटा, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करना पड़ेगा ना, समझ गया। 360 ग्राम इंटू 100, तो सॉल्व करोगे तो कुछ 11 पॉइंट कितना आ रहा है, 11.6 आएगा कि 1 आएगा, 11.1 आएगा ना, 40 9 बार में कटेगा ना, 49 या 360, 100 डिवाइडेड बाय 9 11.1 होगी, है कि नहीं। एक और बता देता हूँ, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये भी अक्सर यूज होता है जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है सॉल्यूशन, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम जब सॉल्यूशन में है तो ये मेथड यूज किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ओके, तो पार्ट्स पर मिलियन देखते हैं हम लोग क्या होता है। ये होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना पार्ट सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। अब पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बोलोगे क्या है, तो बेटा पार्ट्स की जगह में कुछ भी हो सकता है, पार्ट्स की जगह में हो सकती है मास हो सकती है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो। ओके, ppm में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। पार्ट्स पर बिलियन का भी वही कहानी है ना, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, सॉरी 100 नहीं, 10 to the power 9, बिलियन है तो 10 to the power 9, मिलियन है तो 10 to the power 6 है, इनटू कर देना। ओके, और ये इस्तेमाल तभी किया जाता है व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। ओके, सॉल्यूट इन माइन्यूट क्वांटिटी मतलब मिनट क्वांटिटी, बहुत कम बहुत कम, समझते हैं, तो इनका इस्तेमाल होता है। सिंपल है, थियोरेटिकल टाइप की है ये चीज। इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, अ सॉल्यूशन विथ मास 1 केजी कंटेन्स 3 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। जल्दी से बनाना आपको, जल्दी से, मैं टाइम आपको दे रहा हूं, आपको बनाना है। सर ppm 3 क्या बोल रहे बेटा, सर ppm 3 ppm हो गया 3 और ppb 3000, यस राइट आंसर, एकदम बिल्कुल राइट आंसर। देखिएगा दिया हुआ है ppb और ppm में बताने के लिए, तो ppm पार्ट्स पर मिलियन देखते हैं, मिलियन में 10 टू द पावर 6 ही लिखा था ना, 10 टू द पावर 6, बिलियन में नहीं होगा, ठीक। तो 1 केजी मास है किसका, सॉल्यूशन का, और 3 मिलीग्राम मास है सॉल्यूट का, तो मैं बोला यदि मास के टर्म में लिखोगे तो ग्राम में ही लिखना ज्यादा अच्छा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट मिलीग्राम, मिलीग्राम कितना होता है 3 × 10⁻³, ठीक है ना, ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, 1 केजी, तो 1 केजी मतलब कितना, 1 × 10⁻³ × 10⁻⁶, तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा, है कि नहीं, कटेगा नहीं बेटा, ऐड हो जाएगा, सॉरी कटेगा कैसे, 3 × 10⁻⁶ हो जाएगा, −3 ऊपर जाएगा, 3 × 10⁻⁶, तो ये हो गया 3 ppm। वेरी गुड, अब ppb में उसी तरह निकालोगे तो निकल जाएगी आपको, है कि नहीं, 3000 निकलेगा, 3000 ppb। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे ये,
ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है। ये बस आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। प्रिपरेशन, हाँ ये वाला चलो मानते हैं, थोड़ा सा लेबोरेटरी की चीजें भी आपको बता देता हूँ, ये जरूरी है सीखना। आपको बोला गया 25% WWNACL सॉल्यूशन बनाना है, इसका मतलब तो आप जानते ही हो, WW है तो 25 ग्राम, NaCl कितना में है? 100 ग्राम, 75 ग्राम वाटर। मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, WW है, मास तो ऐड कर सकता हूँ। तो कैसे बनाओगे आपको, मतलब मान लो आप लोग बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनोगे तो लेबोरेटरी वर्क तो करना ही पड़ता है। तो 25% WW सॉल्यूशन, मतलब मेडिकल फील्ड में इसका बहुत यूज होता है, दवाई सब में आप लोग देखोगे लिखा रहता है ये सब। कैसे बनाओगे बताओ, सिंपल है ना यार, क्या करेंगे 25 ग्राम हम लोग NaCl वजन करेंगे, वजन तो कर सकते 25 ग्राम, तो 25 ग्राम NaCl हम वजन करके डाल लेंगे इसमें। ये मेजरिंग सिलेंडर होती है, इसको मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं, ऐसा देखे हो क्या आप लोग लैब में? यस सर, दिस इज मेजरिंग सिलेंडर। तो यहाँ पे कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ 25 ग्राम है तो डाल दो, कोई भी कंटेनर में डाल सकते हो, 75 ग्राम पानी भी वजन कर सकते हो, डाल दो इसके अंदर में, बाद में आप इसको कोई डिवाइस से मिला दो, ठीक है, पानी डालोगे इसमें 25 ग्राम NaCl, 75 ग्राम वाटर, फिर इसको मिक्स कर दो, बन जाएगी आपकी, बहुत सिंपल है। तो ये तो आप बना दोगे, चलो पर मैं पूछ रहा हूँ आप 25% W by V बनाना है, कैसे बनाओगे, कौन बताएगा मुझे? मैम, सर, सर पहले मेजरिंग सिलेंडर में सर 100 ml वाटर डाल लेंगे। पहले जवाब दो यहाँ, मैम तुमको कहाँ नजर आया? सॉरी सर, मिस्टेक से निकल गया। स्कूल में मैम ही पढ़ा रही है क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब? हाँ नहीं सर, केवल केमिस्ट्री में मैम। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हाँ सर, कौन से स्कूल में बेटा? सर डीएवी मॉडल से। अच्छा, वेरी गुड, वेरी। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, चलिए मैम नहीं सर हैं, बताइए कैसे बनाओगे, बताओ। सर पहले सर मेजरिंग सिलेंडर में सर 100 ml वाटर डाल लेंगे सर, और सर फिर 25 ग्राम NaCl में वजन करके सर इसमें मिक्स कर देंगे सर, और फिर मिक्स कर देंगे। बेटा आपने सब तो सही बताया पर उल्टा बता दिया, देखो आपने सही बताया पर उल्टा बता दिया थोड़ा सा, इसका मतलब चलो हमको समझ आ रहा है कि 25 ग्राम NaCl सही बताया, कॉन्सेप्ट है आपके पास, 25 ग्राम NaCl इन 100 ml वाटर। पहले आपको वाटर नहीं लेना है, पहले आपको 25 ग्राम NaCl ले लेना है, ओके, पहले 25 ग्राम NaCl आपको डाल लेना है, 25 ग्राम NaCl, ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें पानी डालनी है, ऊपर से पानी डालनी है, और पानी डालने के साथ साथ मिलाते रहना है, और पानी तब तक डालोगे जब तक ये 100 वाला मार्क ना आ जाए। ये 100 वाला मार्क आ गया, इसका मतलब 100 ml बन गया, और मिलाते रहो। आप बोलोगे कि 25 ग्राम NaCl हमने लिया, अब पानी 65 या 75 लिया, ये सही नहीं, ओके, वो कितना पानी लिया हमें नहीं मालूम है, बट हमें ये मालूम है कि 100 ml का सॉल्यूशन बन गया। पहले पानी नहीं लेना, क्योंकि पहले यदि 100 ml पानी ले लेंगे तो 25 ग्राम डालेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना भैया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े हो ना? Yes, हाँ, 25 ग्राम NaCl डालेंगे, फिर पानी डालेंगे और फिर मिलाएंगे, और पानी कितना डाले ये हमें नहीं मालूम, 75 डाले कि 75 से थोड़ा कम डाले कि 75 से ज्यादा डाले, वी डोंट नो, ओके, समझ गए? ये सिंपल है, जानना चाहिए बड़ा आपको। ये भी बना लोगे ना आसानी से, 25% VB इथेनॉल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब तो आराम से ही है, 25 ml इन 100 ml, तो क्या पहले 3 ml क्या ले लोगे? अरे पानी मिलाओगे 100 ml तक, ठीक है ना? अब पानी 75 मिला है ये जरूरी नहीं है, पानी कितना मिला है ये नहीं मालूम, गॉट इट? चलिए, उफ बहुत अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था बट अभी आ गया, आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अब ये सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका एक मतलब चीज है,
मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल बनाते हो, लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल जब आप पड़ता है। बट ये एक ऐसा मेथड है, ये आपको अपने बुक में नहीं मिलेगा, बट ये मेथड आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये मेथड एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है। जब आप इक्वेशन, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि बैलेंस नहीं होती है, हो जाता है कभी कभी, कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसको बैलेंस करना नामुमकिन होता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग एक नया प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ओके, काफी ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि इसका यूज हो सकता है कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो बैलेंस नहीं हो पाता। आराम से देखिएगा बच्चों, बताऊं मैं सर, तो इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाता है उसके लिए ये एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है पर मत लगाना, आप उसी मेथड से करना जो आसानी से बैलेंस हो जाता है ना, उसको आप जो मेथड बताया था पहले उसी से करना है। ओके, जहां पे लग रहा है कि आपको अब कोई उपाय नहीं बच रहा है, वहां पे ये ब्रह्मास्त्र का, प्रयोग हरदम किया जाता है कि कभी काल किया जाता है? कभी काल इन रेयर सिचुएशंस, है ना। रामायण देखा है? रामायण, यस सर। रामायण में कौन, मेघनाथ किया था ना प्रयोग ब्रह्मास्त्र का? यस सर। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो राम जी भी कर सकते थे, बट काहे नहीं किए, काहे को चलाक थे, वो जानते थे कि ब्रह्मास्त्र जल्दी प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं बेटा, ठीक है ना, चलो मस्ती हो गई, अब इस टॉपिक को देखा जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो ये नियम क्या बोलता है, ये जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। मानो एक रिएक्शन मैंने किया और मैंने 5 एटम लिया था पोटासियम का, तो प्रोडक्ट में क्या 10 एटम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, सिंपल सा बात है। रिएक्शन में जितना एटम्स कोई भी चीज का आप स्टार्टिंग में लेते हो, रिएक्शन के बाद भी तो उतना ही रहता है ना, क्योंकि एटम्स कंजर्व होती है, ये सिंपल सी बात है। तो ये प्रिंसिपल बोल रहा है कि यदि एटम्स कंजर्व हो रहे हैं, तो यदि कोई भी चीज का मैं मानो 10 मोल लिया रिएक्शन से पहले, तो रिएक्शन के बाद उस चीज का क्या 50 मोल बन जाएगा? मोल्स भी कंजर्व हो रहे हैं। यदि एटम्स 5 लेते हैं तो 5 ही एटम्स रहती है बाद में, तो मोल्स भी 10 लोगे तो 10 ही मोल होगा रिएक्शन के बाद में। ओके, तो ये प्रिंसिपल का मेन फंडा यही। आप चलो इसको समझते हैं इक्वेशन के तहत। ओके, एक बढ़िया सा प्यारा सा पेन लेता हूं मैं लिखने के लिए इसको। चलिए, मुझे ये कलर बड़ा अच्छा लगता है। मान लो आपके पास एक इक्वेशन है KClO3, ठीक है ना, हीट करते हैं तो बनता है KCl+O2। इससे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, अब मत ये बोलना कि सर ये तो आराम से बैलेंस हो जाएगा, मैं इससे आपको समझा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट। मान लो एक पल के लिए कि ये वाला इक्वेशन आपसे बैलेंस नहीं हुआ और आपसे कुछ पूछा गया है कि KCl कितना बन रहा और KClO3 दिया हुआ है आपको, तो भैया जब तक तो बैलेंस नहीं होगा तब तो बनेगा नहीं, तब तो आप छोड़ दोगे क्वेश्चन। तो करना क्या है, ध्यान से देखना। मान लिया ये इक्वेशन हमसे बैलेंस नहीं हुआ, ओके, तो मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात पे। मैं मेथड लगाऊंगा POAC, मैं अप्लाई करूंगा POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, अब सम बनाने के लिए। ओके, मैं कोई एक पर्टिकुलर एटम को पकड़ता हूं, किसी भी एटम को पकड़ लेता हूं, पोटासियम एटम मैंने पकड़ लिया, ठीक है ना। मुझे एक बात बताना, मैं जो लिख रहा हूं वो सही है कि नहीं। मोल्स ऑफ के इन रिएक्टेंट is equal to moles of K in product। सर सही है? Yes sir। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं बोल सकता इसको, सब बोलेगा कि सही है सर, आप गलत नहीं बोल रहे, ठीक है, got it। अब मैं इसको जरा और बोलूं,
मैं मोल्स को एन अक्षर से लिख रहा हूं, ठीक है ना, मोल्स ऑफ के इन KClO3 will be equal to moles of K in KCl, क्योंकि K तो वहीं पे present है ना, कोई दिक्कत इसमें? No sir. जो भी K है वो तो KClO3 में है, तो moles of K in KClO3 will be equal to moles of K in KCl. Okay. मैं अब ये बोलता हूं, ध्यान से सुनना, यदि KClO3 का मैं 5 मोल लेता हूं तो उसमें K के कितने मोल्स होंगे? KClO3 का मैं 5 मोल लिया तो K के कितने मोल्स होंगे? 5 ही होंगे. अरे यदि KClO3 का मैं 5 मोल लेता हूं तो K तो उसमें कितना है? 5 मोल होगा ना, Cl भी 5 मोल होगा. यस सर. ऑक्सीजन 15 मोल होगा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए तो मैं लिख सकता हूं 1 into moles of KClO3. बोल सकता हूं KClO3 का जितना मोल होगा K का उतना ही मोल्स होगा, है ना, वन टाइम, कोई दिक्कत नहीं. सिमिलरली यहां भी K के कितने सारे मोल्स होंगे? 1 into moles of KCl. बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं. अब आपको क्या करना, वन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वन लिखने की जरूरत है नहीं, बट लिख देता हूं समझाने के लिए. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 के जगह हम लिखेंगे मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KClO3 विच विल बी इक्वल टू 1 into mass ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KCl, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल्स ऑफ KCl. तो अब क्या है, मान लो एग्जाम में आपको KClO3 का दे दिया है कि 10 ग्राम है, ठीक है ना, आपसे इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ और पूछा कि ये वाला कितना बना, तो आराम से आप क्या करो, KClO3 का मास डालो 10, KClO3 का मोलर मास मालूम है ना कितना होता है, 122.5. ये वाला मानो आपसे पूछा गया, मोलर मास ऑफ KCl मालूम है 74.5, लिखो, इक्वेशन बिना बैलेंस किए बन जाएगा, सिंपल, एक दो न्यूमेरिकल बना लोगे तो कॉन्सेप्ट और समझ आ जाएगी. ओके, समझ गए. चलो ऑक्सीजन को पकड़ के बता देता हूं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा. KClO3 gives KCl plus O2. मान लो एग्जाम में पूछ लिया कि ऑक्सीजन का कितना मोल्स बना, ठीक है ना, पूछ लिया ये वाला कितना मोल्स बना, O2 का, ऑक्सीजन नहीं, O2 का पूछ लिया कितना मोल्स बना, या पूछ लिया कि कितना लीटर बना, तो आप क्या करोगे? तो चलो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे. ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ऑक्सीजन को अप्लाई कर देंगे POAC. अप्लाई POAC फॉर ऑक्सीजन एटम. अब बनाने टाइम आपको इतना नहीं लिखना है, कोई एटम को पकड़ना है, ठीक है ना, क्वेश्चन बनाने इस टाइम सब नहीं लिखना है, वो तो आपको समझा रहा हूं. देखो बच्चों, मैं बोल रहा हूं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3, मतलब बोलने का मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंटे लिख दे रहा हूं. चलो पहले ऑक्सीजन एटम का बात कर रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज मत होना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बोल रहा हूं मैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट. बिल्कुल सही होगा ये, तो यही तो POAC बोलता है. अब देखो, यदि मैं KClO3 का 10 मोल लेता हूं तो ऑक्सीजन एटम के कितने मोल होंगे? यदि मैं KClO3 का 10 मोल लेता हूं तो ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स होंगे? 10 होंगे. आप लोग ने एक क्वेश्चन बढ़िया से नहीं पढ़ा है, जिसका मतलब जो मैं पढ़ाया था आप लोगों को. चलो मैं एक स्क्रीन लेता हूं, मैं वहां समझाता हूं.
KClO3, KClO3, ठीक है ना, एक के सीएल तीन ओ। यदि भैया मैं ये एक मोल के CLO3 लेता तो के कितना है, एक मोल, CL कितना है, एक मोल, वन मोल, ऑक्सीजन कितना है, थ्री मोल। तो KClO3 का यदि मैं 10 मोल लेता हूँ तो K का कितना मोल होगा, 10 मोल। क्लोरीन का 10, ऑक्सीजन का 30 होगा, 30 होगा सर, 30 ना, समझ गया ना आप। तो आप देखो, वही ना बोल रहा हूँ कि KClO3 का आप जितना लोगे, मान लो ये पूरा KClO3 लियो आप 5 मोल, तो ऑक्सीजन 3 गुना होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजन एटम बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन एटम 3 गुना होगा। जल्दी से इसका बताना, इसका मैं मानो कि 1 मोल लेता हूँ ऑक्सीजन गैस का, तो ऑक्सीजन एटम कितना मोल होगा, 2 मोल, 2 मोल होगा। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट। इसको यह भी बोला जा सकता है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2। ओके, तो ऑक्सीजन के एटम्स को मैं ऐसे बोल सकता हूं, 3 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। कोई दिक्कत नहीं ना, कितने मोल्स होंगे वो 3 गिना होंगे KClO3 का, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 into मोल्स ऑफ O2, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया तो कुछ नहीं करना है आपको, 3 into गिवन मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KClO3। यदि आपको पूछ लिया कि ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम, मतलब कितने लीटर्स बने हैं, तो वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4, ये भी तो मोल का ही फॉर्मूला होता है ना, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। यदि मास पूछेगा तो मास मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2, ये आपके ऊपर। तो मैंने इक्वेशन को बैलेंस भी नहीं किया, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये वाला करोगे आपका डायरेक्ट बन जाएगा। बस यही देखना कि ये कितना बना है, 3 गुना ऑक्सीजन लगाया तो इसमें डबल, समझ गया, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना। चलिए एक ये क्वेश्चन है पढ़ो, ये है इस क्वेश्चन में तो और कोई उपाय नहीं बनता है कि बिना POAC का कोई बना लेगा, ये तो बिना POAC का बनने ही वाला क्वेश्चन नहीं, और सबसे अच्छा एग्जांपल है POAC का। क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को समझो, अभी आप लोग के लिए थोड़ा सा लेवल हाई है इस क्वेश्चन का, बट समझो। अच्छा स्टूडेंट, मुझे एक बात बताना, मैं एकदम दिल से बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा मुझसे। देखो आई एम योर टीचर और मैं हर चीज का सॉल्यूशन पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कहाँ एरर क्या आता है, बच्चे में क्या गलती होती है, बच्चे में क्या वीकनेस है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डर जानना है कि आपके अंदर का डर जब तक मुझे नहीं मालूम चलेगा तब तक मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताना है कि अभी तक हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़े तो कॉन्सेप्ट में कहीं गड़बड़ी है क्या आप लोगों का, ये बताना मुझे दिल खोल के, हाँ या ना। स्टूडेंट्स जल्दी से, कि न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं आपसे, ऐसा जो भी ये बताओ मुझे खुल के। न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, एक बच्चा, दूसरे बच्चा प्लीज। स्टूडेंट्स देखो, आप नहीं बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज बोलो, किसने बोला न्यूमेरिकल नहीं बन रहे? रोहित, रोहित, और कोई बच्चा बताना प्लीज, प्लीज बताओ बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बन जा रहा पर मूल कॉन्सेप्ट का नहीं बन रहा। अरे तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हम इतना रगड़ के पढ़ाए कि उसको छोड़ो ना, हटाओ उसको, छोड़ो, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, ये भी काफी रगड़ के पढ़ाया गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपके
मैथमेटिकल पार्ट वाले में फंस रहे हैं कि कॉन्सेप्ट में फंस रहे हैं, ये बताओ मुझे पहले। सर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट सर, कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन पार्ट फंस रहा है। डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं, भूल जाओ। कैलकुलेशन पार्ट में फंस रहे हो ना, खुश रहो, क्योंकि कैलकुलेशन तेज करने का तरीका मैं आस्ते आस्ते आप लोगों को सिखाऊंगा। सर कभी कभी कॉन्सेप्ट में भी फंस रहे हैं। कॉन्सेप्ट में फंसते हो, तो कॉन्सेप्ट में फंसते हो ना तो बेटा सारा वीडियो हम लोग आपके लिए सारे वीडियो चढ़ाते जाते हैं, उस वीडियो को एक बार प्लीज रिपीट कर लेना। ओके और कभी भी कोई डाउट हो ना, आई एम ऑलवेज ओपन। रात 12 बजे भी आपकी मैसेज आएगी तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। टेलीग्राम ऐप पे मैसेज भेजो ना भैया, मैं डाउट सॉल्व करूंगा आपका जो भी डाउट होगा। या चैट सेक्शन श्रीवास्तव क्लासेस के ऐप पे होगा, वहां पे भेजो, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। तो बेटा यदि आप लोग मैथमेटिकल पार्ट में अटक रहे हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री आपकी क्लियर है यहाँ पे। इसका मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन समय के साथ फास्ट होंगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में थोड़े टेढ़े टेढ़े कैलकुलेशन हैं। आप लोगों को एक चीज सीखना है, अप्रोक्सीमेशन, कि आंसर को अप्रोक्सीमेशन से किस तरह लाना है। तो वो अप्रोक्सीमेशन मैं सिखा दूंगा आप लोगों को कि किस तरह से आंसर के आसपास पहुंचा जाता है, डोंट वरी। ओके अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 27.6 ग्राम पोटासियम कार्बोनेट का लिया गया, उसको ट्रीट किया गया सीरीज ऑफ रिएजेंट से, बहुत सारे केमिकल से ट्रीट किया गया। ओके जैसे कि ऐसे समझ लो, क्या किया गया, जैसे ये पोटासियम कार्बोनेट की गई, ओके उसको पहले केमिकल ए से ट्रीट किया गया, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट बनी। फिर उसको केमिकल बी से ट्रीट किया गया तो कुछ प्रोडक्ट बनी। फिर उसको केमिकल सी से ट्रीट किया गया, कुछ प्रोडक्ट बनी। फिर उसको केमिकल डी से ट्रीट किया गया, फाइनली क्या हुआ, मतलब बहुत सारे ये से ट्रीट करते करते उसको कन्वर्ट किया गया इसमें, ये बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये जान लो कि ये कॉम्प्लेक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। 27.6 ग्राम पोटासियम कार्बोनेट का लिया गया, बहुत सारे केमिकल से स्टेप बाय स्टेप ट्रीट किया गया, और हुआ क्या, जितने सारे कार्बन थे स्टेप वन में वो सारे इसमें कन्वर्ट हो गए। ओके अब आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, आप पूछा जा रहा है कि इसका कितना मास बना ये बताइए। आप बेटा मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे, अब इस कॉम्प्लेक्स का मास कैसे निकालोगे, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से तो बनेगा नहीं, क्योंकि भैया ये वाला स्टेप तो मालूम ही नहीं है। बैलेंस किसको, हवा में बैलेंस करोगे, बैलेंस तो नहीं होगा। बट कॉन्सेप्ट को पकड़ो, आपको क्या बोला गया, कन्वर्ट All carbon to this complex. मतलब कार्बन का एटम कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितना इसमें था वो सारा इसमें चला गया है ना, कंजर्व हो रहा है, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नो नो सर। चलिए तो हम लोग कार्बन का एटम को कंजर्व कर सकते हैं। ओके हम बोल सकते हैं मोल्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 will be equal to moles of carbon in complex, ये वाला जो complex है इसका, ठीक है ना, कोई दिक्कत माने? अब कितना होगा moles of carbon in K2CO3, कितना होगा, एक मोल यदि K2CO3 का लेते हो तो कितना मोल कार्बन होगा, एक ही मोल होगा ना, एक ही कार्बन है, वन मोल है ना। दो मोल लेते हैं तो दो ही मोल होगा, तीन मोल लोगे तो तीन ही होगा, मतलब हम बोल सकते हैं 1 into moles of K2CO3 का जितना मोल्स लोगे उसका एक गुना होगा। इसमें कार्बन कितना है बच्चों, 12। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 12 into मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जो भी होगा इसका जितना भी होगा, इसका 50 मोल होगा तो इसका 12 गुना होगा कार्बन का मोल, क्योंकि दिख रही है कार्बन 12 है। तो अब तो आप लगा सकते हो, सिंपल से कहानी, अब बैलेंस हमने नहीं किया, मोल्स ऑफ K2CO3 गिवन मास बाय मोलर मास, 27.6 दिया हुआ है पोटासियम कार्बोनेट का मास जो लिया गया था, पोटासियम कार्बोनेट का यदि मोलर मास निकालते हो तो 138 आएगा, ऐड करके, ठीक है ना, 39 into 2 + 12 + 16 = 40, 138 आएगा, विल बी इक्वल टू 12 into गिवन मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ इसका निकालने के लिए बोला गया, मास ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए बोला गया,
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कॉम्प्लेक्स. अब मोलर मास इसका आप निकाल सकते हो, सबको ऐड करना. एडिशन आता है ना सबको कि नहीं आता? अच्छा कौन बच्चा मुझे ऐड करके बता सकता है? देखते हैं, चलो मैं बता देता हूं. जिंक का 65 है, आयरन का 56 है. कौन बच्चा हमको सबसे पहले ऐड करके बताता है? पोटासियम का 39 है. चलो देखिए लेते हैं एडिशनों कितना को आता. अब एडिशन हम नहीं सिखाएंगे, ये तो हमको सिखाना है काम नहीं. सबसे पहले मैं थोड़ा सा दो घूंट चाय पी लेता हूं. चाय तो कभी किस्मत में नहीं रहता, ठंडा हो जाता है. 160 मारेंगे इतना ना, 160 आएगा. 65 into 3 करेगा तबे 160 पार कर जाएगा. सर आई वाज टॉकिंग अबाउट एडिशन. एडिशन सर इसको कौन ऐड करने मांगो कंपाउंड का इस कॉम्प्लेक्स का. कौन किया यार? कौन? रोहित. एक गलती कर. तब भी बेटा आपने ट्राई किया, इट्स गुड. और मुझे लगता है मेरा फोरसाइट, 10 साल से मैंने भी दुनिया देखा है और अपने लाइफ में भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे. आपकी जो क्षमता है, आपकी जो इच्छा है, शायद ऊपर आपके जगह रखेगा फ्यूचर में. चलिए तो मास ऑफ कॉम्प्लेक्स बेटा आप निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? हाँ निकल जाएगा. कैलकुलेशन है, आप तो कैलकुलेशन आप करो, वो आपकी पार्ट है मेरी. यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो 138 2 जा कट जाएगा. देखोगे ना 138 2 जा ही 1276 के आसपास आएगा. आएगा क्या? यस सर. फिर 698 या 12 डिवाइड करो. इतना सिंपल थोड़ा सा तो करना पड़ेगा. फिर आपको थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जो भी ऑप्शन रहेंगे ए बी सी डी वो काफी दूर दूर ऑप्शन रहता है. तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना, तो पॉइंट वाइंट वो आप भूल सकते हो. ठीक है ना, समझ गया. जैसे 698 है तो 698 को 700 मान के कैलकुलेट कर सकते हो. समझ गए, देखो कितना आसानी से होगा. मैं आपको सिखाता हूँ. 27.6 है ना, 276 हो गया, 138 हो गया, 10 नीचे में ले लिया, 700 ऊपर में ले लिया, ठीक है ना. अब 12 नीचे में ले लिया, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो. ये वाला 2 हो गया, ठीक है ना. अब इधर से इसको काट लो, ठीक है ना. अब 12 लेके अभी आंसर ही 10 लेके काट लो इसको. आप 10 ही लेके बना लो, 10 ही लेके बना लो. आंसर देखोगे ना रेयर केस में आंसर आसपास रहता, नहीं तो बहुत डिफरेंस वाला रहता. यदि बच्चों मैं मुझे बोलो इसको मैं 10 ले लिया, आप क्या कैलकुलेशन बहुत टफ रह गया क्या? नो सर. नहीं ना, कितना सा हो गया ये? 1400 हो गया. और आंसर नीचे में कितना आ गया? 100 आ गया, मतलब 14. इसका रियल आंसर कितना मालूम है? 11.6. और एग्जाम में दिया रहेगा कितना मालूम है? जैसे 11.6 दिया रहेगा, 30 दिया रहेगा, 72 दिया रहेगा, 84 दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा. तो आंसर आपका 14 आया. तो आप समझ रहे हो कि इसको आपने थोड़ा क्या किया, कम कर दिया. तो आंसर 14 से छोटा ही होगा. पकड़ सकते हो कि नहीं? यदि एग्जाम में 18 भी दिया रहता तो आप पकड़ लेते कि नहीं पकड़ लेते? बताओ मुझे सिंपल. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ. पकड़ लेते कि नहीं पकड़ लेते? यस सर. है ना, देखो ये 12, ये मैंने 12 से डिवाइड किया. तो 12 से डिवाइड किया तो मैं इसको 10 कर दूंगा. मैं छोटा से काट रहा हूँ. ओके, छोटा थोड़ा पकड़ सकते हो आप लोग, है ना. तो अप्रोक्सीमेशन लगाना है, अप्रोक्सीमेशन से फटफट बनेगा. और एग्जाम में ऐसे कॉम्प्लेक्स दिए रहेंगे तो उसका मोलर मास दिया रहेगा, वो बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एग्जाम का. बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जी मेंस का क्वेश्चन है. इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं. कौन बच्चा मुझे बताएगा, देखते हैं. अच्छा एक बात बोल रहा था, जिसको मैकेनिकल मॉडल अच्छे से नहीं समझ आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मतलब बोले तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल, उसका पूरा थियोरेटिकल टॉपिक अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस करूंगा 7-15 में, ठीक है, यूट्यूब पे. चलिए ये बताइएगा मुझे, स्ट्रैटेजी बताओ. मुझे आंसर नहीं चाहिए, स्ट्रैटेजी बताना. ओके, कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले बोला क्या गया वो पकड़ो. सल्फर है,
मैं कभी भी रेड पेन से न्यूमेरिकल नहीं बनाऊंगा क्योंकि बच्चे रेड पेन थोड़ा डेंजरस कलर होता है. ओके ये प्यारा सा माइल्ड कलर है, अच्छा है, अच्छा लगता है आप लोग ये कलर बैगनी स्टूडेंट? यस सर. बैगन खाना अच्छा लगता है? नो सर. नो सर आई हेट इट. हमको अपने नहीं अच्छा लगता. अभी तक हम घर में गाली सुनते हैं, ना बैगन अच्छा लगता मुझे खाने में, ना मुझे भिंडी अच्छा लगता खाने में. घर वाले मुझे बोलते क्या खाओगे. सर डू यू लाइक कैप्सिकम? कैप्सिकम हिंदी में बोलना अच्छा, वो वाला हरा वाला जो रहता है ना, शिमला मिर्च सर, वो तो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है. चलो ठीक है आ जाते हैं. सल्फर, सल्फर कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ तो बनता है दो प्रोडक्ट SO2 और SO3. ठीक है, तो सल्फर कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो दो प्रोडक्ट बनती है SO2 और SO3. ठीक है ना. अब बोला गया है कि 10 ग्राम सल्फर को मिक्स किया गया है 12 ग्राम ऑक्सीजन के साथ. तो 10 ग्राम सल्फर लिया है, 12 ग्राम ऑक्सीजन लिया है. ठीक है ना. पूछा गया व्हाट मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी फाउंड, पूछा कितना सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा. So that neither of oxygen nor S is left. मतलब ये जो रिएक्टेंट जितना था ना वो पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. ओके तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो कोई रिएक्टेंट बचेगा? क्या बचेगा? नहीं बचेगा ना. ये 22 ग्राम यदि है तो प्रोडक्ट भी तो 22 ही ग्राम होगा. यस सर. ठीक है, तो पूछा गया आपको कि ये कितना बचा. तो बच्चों मैं बोलूं यदि ये x ग्राम बना है तो ये वाला 22 माइनस x ग्राम बोल सकता हूं क्या? यस yes, कोई दिक्कत? अब मैं चलो इस क्वेश्चन को बैलेंस करने का चक्कर में नहीं फंसता हूं, बट कौन बैलेंस करेगा, पीओएसी लगा देता हूं. मान लो मैं लगा, यूं तो लगाना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, बट पीओएसी लगा देता हूं मैं पीओसी से समझाने के लिए. तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, मोल्स ऑफ एस इन रिएक्टेंट इक्वल टू मोल्स ऑफ एस इन प्रोडक्ट. ओके इधर कितने हैं, 1 into, है ना, 1 ही होगी ना, 1 into गिवन मास बाय मोलर मास. कितना लिया गया सल्फर? 10 ग्राम. गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू मोल्स ऑफ एस इन रिएक्टेंट. मोल्स ऑफ एस इन रिएक्टेंट कितना होगा यहाँ पे, 1 into S, ठीक है ना. तो गिवन मास इसका तो दिया नहीं हुआ है. ओके मान लेते हैं ये वाला X है, ठीक है ना, इसका तो पूछा है हम लोग को. ओके तो X डिवाइडेड बाय SO2 का कितना होगा, SO2 कितना होगा बेटा, 64 हो जाएगा ना. ओके 32 और 32 64 मोल्स ऑफ S इन रिएक्टेंट, मतलब इसका मोल्स और इसका मोल्स ऐड होगा ना. ओके 1 into x by 64 plus 1 into 22 minus x mass है, given mass by molar mass इसका SO3 का हो जाता है 84. 84 नहीं होगा, 80 होगा, 64 और 16. समझ आया? S जितना reactant में था, S कितना, 1 into इतना, so given mass by molar mass, given mass by molar mass. X solve कर सकते हो आप लोग, X ही ना solve करना है. ओके सॉल्व करोगे तो x 10 ग्राम आ जाएगा. कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया, फिर उसके बाद पीओएसी लगा दिया. कोई दिक्कत? नो सर. हाँ दिक्कत हो सकता है यहाँ पर कि सर ये कैसे आंसर डायरेक्ट ले आए. बेटा इसको घर में सॉल्व करना, आपको सॉल्व करने आता है, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हो ना. यस सर. यस सर. चलो कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन. चलो एक न्यूमेरिकल बनाते हैं. बोला गया है 10 ml ऑफ H2O और 30 ml ऑफ CH3OH. ओके CH3OH छोटा नहीं होगा, CH3OH उसको मिक्स किया है तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो गया 39.09. हाँ देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जहां पे बता रहा है
कि वॉल्यूम वॉल्यूम एडिटिव नहीं होती है, 10 और 30 ऐड करते तो नॉर्मली 40 होना चाहिए, बट एडिटिव नहीं है भैया, इसलिए ना 39.9 बना है। तो बोला गया स्ट्रेंथ ऑफ द टू कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का स्ट्रेंथ निकालने बोला गया। तो परसेंट वाटर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है ना, मास ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके इनटू 100। वही परसेंट आप CH3OH निकालोगे तो सिमिलर है बेटा, कितना करोगे आप, ऊपर में 30 रखोगे, नीचे में 39.09 इनटू 100, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये वाला बताओ क्या होगा, बाय मास मतलब W बाय W, बाय वॉल्यूम लिखी रहती है तो W बाय V होता है उसका मतलब, बाय वॉल्यूम का मतलब W बाय V होता है कहीं लिखा रहेगा तो, बाय स्ट्रेंथ V बाय V होता है। चलिए बता दिए इसका मतलब क्या, एक मतलब फैक्ट्री से एक बॉटल बन के आया, एक फैक्ट्री से एक दवाई का बॉटल कोई बन के आया, ठीक है, और उस दवाई का बॉटल तो बहुत खराब बन गया, जो भी है एक कोई बॉटल है छोटा सा, मान लो एक फ्लास्क है, ओके उसमें कुछ रखी हुई है और कंपनी से जब ये बन के आया 39.5% लिखा हुआ, तो बगल में भूल गया लिखने W by W या W by V, मान लो W by W है तो इसका मतलब क्या होगा, by mass ये क्या मतलब होगा, 39.5 ग्राम सॉल्यूट इन कितना 100 ग्राम, 40.5 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, गुजारा ही नहीं है तो वॉल्यूम में ये बोलो ठीक है, पहला वाला में भी ट्रू था बट थोड़ा सा वहां पे बोल सकते थे इन क्या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ 39.5 ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो मतलब वो फैक्ट्री ने कितना बड़ा गुणा कर दिया, वो W by W, V by V और W by V नहीं लिखा तो मीनिंग कितना चेंज हो गया, हर केस में चेंज हो रहा है, क्योंकि 39.5 ग्राम इसके बराबर थोड़े हो गया, जब भी इंजेक्शन उंजेक्शन बनाया जाता है ना तो देखोगे ऐसे ही लिखा रहता है V by V, W by V, और थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो मतलब आदमी का जान इधर उधर हो सकता है, मालूम है, तो ये सब बड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है, W by W, V by V, W by V, इंजेक्शन सब में देखोगे लिखा रहता है। एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, रुको वो करवाते हैं पहले आप लोगों से, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैं एक बात बता दूं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें बहुत लंबा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं रहेगा, अप्रोक्सीमेशन वाला दिमाग रहेगा, उसको मैथ्स चेक करना है तो मैथ्स का पेपर में चेक कर लेगा आपका, मैथमेटिकल स्किल वो मैथ्स के पेपर में चेक करेगा ये पक्का दिमाग में रखो, केमिस्ट्री में वो मैथमेटिकल स्किल नहीं चेक करने वाला, कैलकुलेशन आसान रहेंगे, क्वेश्चन 2 से 3 स्टेप में बनने वाले रहेंगे, बट हाँ आपको समझ आ गया तो बना लिए, नहीं समझ आया तो नहीं बनेगा, यही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कौन इसको थोड़ा दिमाग लगा सकता है, बना सकता है, देखते हैं, चलो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सेट होते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट पे रहते हैं, समझ आया बन गया, नहीं आया छूट गया, क्योंकि वो आपको गधा घोड़ा थोड़े आईआईटी वाला और मेडिकल वाला गधा घोड़ा थोड़े ले रहा है कि रट्टे वाला या जिसको 1:2 और 2:5 आता है अच्छा से कैलकुलेट करने, उसको वो थोड़े चाहिए, उसको दिमाग लगाने वाला चाहिए, अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर के पास पहुंच सकता है, वो सब चाहिए, बताना बेटा। देखो सिंपल है, मैं एक छोटा सा हिंट दू आपको, देखो क्वेश्चन में आपको पकड़ना है, या बिना हिंट के कोई आगे प्रोसीड कर रहा है क्या, देखते हैं कुछ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने कहीं देखा नहीं होगा, इधर उधर आपको जल्दी नहीं मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस। किसी का थोड़ा दिमाग चल रहा है क्या, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ये शब्द को पकड़ लिया तो क्वेश्चन बन गया। देखो क्या बोल रहा है, एक कंपाउंड है
जो कंटेन करता है 3.2% ऑक्सीजन, मतलब एक कंपाउंड में 3.2 दशमलव ऑक्सीजन, दशमलव नहीं परसेंट, परसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिशत, प्रतिशत। ओके थैंक यू। 3.2 सर, माय आंसर इज डी आई थिंक। बी बी यस सर, नहीं बी ठीक है ना, बी सर 500। किसने जवाब दिया? 350। बाप रे सर, एबीसीडी सब आ जाएगा क्या? नहीं सर, डी 500। 500 किसने जवाब दिया? सर ईशान। वेरी गुड बेटा विशाल, कहाँ रहते हो विशाल? सर ईशान सर। ईशान? यस सर। ईशान? यस ईशान, गुड ईशान। ईशान वही लंबा सा स्मार्ट सा लड़का ना, बिग बाजार? हाँ यस सर। हाँ हाँ, मतलब स्मार्ट मानते हो अपने आप को कि स्मार्ट हो? पूछा गया है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पहुंचा है, पूछा है तो मतलब देखो ऑक्सीजन कंटेन करता है तो वो जिस मेटल के साथ होगा उसमें कम से कम एक ऑक्सीजन तो होगा, तब ना मिनिमम वेट पूछा है, कम से कम एक ऑक्सीजन तो होना चाहिए। ओके यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, तो एक ऑक्सीजन होगा तभी मिनिमम होगी, दो ऑक्सीजन होगा तो मिनिमम तो नहीं हो सकता, मिनिमम से ज्यादा हो जाएगा। तो 3.2% ऑफ क्या? x, मान लेते हैं x इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, इज इक्वल टू एक ऑक्सीजन 16। बहुत सही, किसने बताया? x इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 32। ओके सॉल्व करोगे आराम से आपकी बन जाएगी, है ना 0.250 आ जाएगी, है ना। या तो बहुत बच्चे डेसिमल में फंस जाते हैं या कैलकुलेशन करने आता है आपको, आराम से 500 आंसर आ जाएगा। सर हम भी तो डी ही बोले थे। तो डी बोले थे तो राइट बोला था, और आपने क्या इसी कॉन्सेप्ट से बनाया था? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बेटा। क्या नाम है आपका? रूही सर। रूही 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 सर, आई एम अ न्यू स्टूडेंट सर। अच्छा आज पहला दिन हो क्या? यस सर। वाह बेटा, कुछ दिन पहले ही क्लास ज्वाइन किए हैं, मतलब सप्ताह भर हो गया होगा। पुराने तीन लेक्चर देखे हो कि नहीं देखे हो? सर इतना कुछ कवर अप करना था तो वो तो नहीं देख पाए। प्लीज आई रिक्वेस्ट कि थोड़ा देख लेना, वो तीन लेक्चर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? यस सर, देख लीजिएगा प्लीज, तब और अच्छे से समझ आएगा। तो चलो ये हो गया, आ जाओ आज नया टॉपिक स्टार्ट करें, क्या टाइम है। चलो एक टॉपिक टच करते हैं, मोल फ्रैक्शन। ओके मोल फ्रैक्शन, जब भी परसेंट की बात होती है तो परसेंट कहां से कहां वेरी करता है? 0 to 100। हाँ 0 to 100% हो सकती है, और कोई भी चीज को यदि हम लोग मतलब फ्रैक्शन में बोलना चाहते हैं तो फ्रैक्शन कहां से कहां हो सकता है? मैक्सिमम 0 to 1 तक हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई भी चीज 20% है तो फ्रैक्शन में कितना होगा? 20/100 मतलब 0.2, ठीक है? यस सर। चलिए तो मतलब परसेंट और फ्रैक्शन मतलब एक दूसरे में एक्सप्रेसिबल है, तो एक ऐसा ही केमिस्ट्री में चीज आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मान लीजिए आपने दो चीज को मिलाया, दो चीज को मिलाया और एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है ना, दो चीज को मिलाया और एक सॉल्यूशन तैयार किया, तो हम बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ए का कितना मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल कितना मोल है सॉल्यूशन में, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके वही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का बात होगा तो B का कितना मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, ठीक है।
हमेशा कोई भी फ्रैक्शन, मतलब मान लो कि एक केक है, ठीक है ना, एक केक को मैंने चार आदमी में बांटा, किसी को 1/4 दिया, किसी को हाफ दिया, किसी को 3/2 दिया, जो दिया, तो सारे फ्रैक्शंस को मिला के कितना आता है? One आएगा। तो एक सॉल्यूशन में मानो दो कंपोनेंट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को मिलाओगे तो आएगा 1, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन दो ही चीज को मिलाने से बनती है, मानो चार चीज को मिला के बनाया है आपने, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी, तो चार चीजें, तो ये चारों को मिला के बन गया, ओके। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने वाले बोलेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ओके। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन का, जिसका पूछा गया उसका मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ओके। मान लो ए सॉल्यूट है, एक पल के लिए, इफ ए सॉल्यूट है और बी इज सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बना सॉल्यूशन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया गया, तो इसका फॉर्मूला सिंपल मैं ऐसे लिख सकता हूं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये किसका फॉर्मूला हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी इतना समझदार हो, है ना, गिवन मास बाय मोलर मास, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, समझ गए। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी का मोल्स निकालने बोला, मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने बोलेगा तो ऊपर में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, सिंपल। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ऑप्शन दे क्या, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए। बने सर, सी सी नहीं है बेटा, रॉन्ग आंसर। दोनों को मिला के तो 1 होने वाला है ना, ठीक है ना, थोड़ा यदि दिमाग लगाओगे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो बी दिया था, किसी ने आंसर बी दिया था, ओके, बट चलो मेथड वाइज चलते हैं। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 2 मोल्स NaCl इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। चलो ठीक है, NaCl को पानी में मिलाया गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl देखते हैं, तो मोल्स ऑफ NaCl दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के मोल्स, 180 ग्राम कितना मोल होगा पानी का, 10 मोल होगा, तो 2/12, तो 1/6, तो दूसरा वाला सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं है, 1 से माइनस कर दो 5/6। बट मैं बोलूंगा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वही क्वेश्चन आने वाला है जो माथा माड़ी नहीं है, जिसमें आपका अलर्टनेस और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी टॉपिक पे पकड़, वही चेक हो रहा है। ये देखो ये 1 है, बनाएगा ही नहीं बच्चा इसको, डायरेक्ट 1 मारेगा, ओके, समझ गए। चलिए थोड़ा सा और बता दूं क्या, बट थोड़ा टॉपिक रुक ना जाए, चलो और बता देता हूँ, थोड़ा एक टॉपिक और स्टार्ट कर दूं क्या? यस सर, न्यूमेरिकल दीजिए ना, न्यूमेरिकल बनाओगे? चलो न्यूमेरिकल बनाओगे तो मेरे पास, चलो देखते हैं, अभी न्यूमेरिकल तो मैंने कलेक्ट नहीं किया ज्यादा, फिर भी देखते हैं कुछ है, देखते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा ये सब न्यूमेरिकल। देते हैं न्यूमेरिकल, बनाओगे? चलो इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, बट आंसर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी मैं बोलूंगा बताना कैसे बनेगा। आई डोंट थिंक अभी इसको मिटाया जा सकता है, ठीक है ना, नो इट कांट बी रेज्ड नाउ, ये रेज नहीं किया जा सकता।
ये पुराने स्लाइड्स हैं, नहीं होगा बेटा अभी ये, और आज के लिए तो मैंने न्यूमेरिकल नहीं कलेक्ट किए हैं ज्यादा। डोंट वरी सर। नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा न्यूमेरिकल बहुत सारे आप लोग। चलो एक टॉपिक क्या स्टार्ट करें क्या, एक टॉपिक आप लोग फ्रेश हो? यस सर। यस सर। यस सर। 15 मिनट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको देखते हैं, ठीक है ना? एक मिनट रुक जाओ तो देखते हैं। यदि कंट्रोल एच नहीं होगा अभी नहीं आ सकते क्योंकि वो सारे पुराने स्लाइड्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स अभी छोड़ो। देखो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोलैरिटी। बड़े दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना? ये टॉपिक मुझे स्टार्ट तो नहीं करना चाहिए आज, बट स्टार्ट कर देता हूँ। चलो टाइम है। मोलैरिटी दिस इज ऑल्सो एक तरीका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का, ये भी एक तरीका है कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का। बड़ा सिंपल इसका कहानी है कि आपके पास मान लो एक लीटर सॉल्यूशन है, मान लो एक लीटर सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट का कितना मोल्स मिला हुआ है, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है कि एक लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ध्यान देना, एक लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स मिला हुआ है सॉल्यूट का। जैसे कि देख लो, मान लो मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक लीटर सॉल्यूशन है कोई, ठीक है, और इसमें मैंने सॉल्यूट जो मिलाया है वो 0.5 मोल्स है, जो सॉल्यूट मिलाया है वो 0.5 मोल्स है। तो इसकी जो मोलैरिटी हो जाएगी बेटा, इसकी मोलैरिटी हम लिखेंगे कुछ इस तरह, 0.5 बड़ा एम सॉल्यूशन, बड़ा एम का मतलब मोलैरिटी, 0.5 बड़ा एम सॉल्यूशन। ओके, तो आपको कहीं ऐसा दिखा मिले तो इसका मतलब आप समझोगे यही कि 0.5 मोल्स सॉल्यूट मिलाई हुई है एक लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है 1 मोलर KCl सॉल्यूशन, या ऐसे इसको 1 मोलर को ऐसे भी लिखा जाता है 1 m KCl सॉल्यूशन। तो यदि आपसे कोई पूछ लिया कि इसका मतलब आप क्या मीन कर रहे हो 1 m KCl सॉल्यूशन लिखा हुआ, तो बताओ क्या मीन कर रहे हो? 1 mole of KCl in 1 liter of solution, in 1 liter solution, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। बट यदि मैं मास के टर्म में बात करूं तो मैं ऐसे बोल दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? 74.5 ग्राम KCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं ना? KCl का 1 मोल का मास कितना होता है? 74.5। ओके, तो मोलर मास के बराबर 1 मोल KCl, मतलब इतना 74.5 ग्राम KCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। देखो मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये दिमाग में रखना यूनिट, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में रहेगा, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, फॉर्मूला जानना तो अपनी जगह होता है, बट फॉर्मूला क्या मीन करता है वो आपको जानना है। मान लो एक पल के लिए मैंने मोल्स ऑफ सॉल्यूट उतना ही रखा है, सॉल्यूट जितना डाला था उतना ही रखा है, बट वॉल्यूम को मैंने डबल कर दिया, सॉल्वेंट मिला के मैंने वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो कौन मुझे बताएगा कि मोलैरिटी पे क्या असर पड़ेगा? सर मोलैरिटी विल बिकम हाफ। वेरी गुड। अरे भैया मैंने इस इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन, बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा। मतलब आप यदि सॉल्यूशन की वॉल्यूम सॉल्वेंट मिला के बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो मोलैरिटी तो आधा हो जाएगा आपका, है ना? समझ गए? अब वहीं मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने 1 ही लीटर रखा, बट सॉल्यूट के जितने मोल्स डाले थे मैंने डबल नंबर ऑफ मोल्स कर दिया सॉल्यूट के,
तो मोलैरिटी पे क्या असर पड़ेगा? इट विल बिकम डबल, डबल हो जाएगा। यही तो दिमाग लगाना है कॉन्सेप्ट पे, यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सेट, समझ गए? मतलब सॉल्यूट को यदि बढ़ाओगे और सॉल्यूशन को उतना ही रखोगे तो भैया आपका मोलैरिटी बढ़ जाएगा, समझ गए? और यदि सॉल्यूशन को डबल कर दोगे तो ये मोलैरिटी आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात। चलो इसका मतलब क्या होगा मुझे बताना कि 1 मोल KCl इन 5 लीटर सॉल्यूशन, तो इसको आप क्या लिखोगे, 0.5 mKcl, 0.1 kcl या क्या KCl, मुझे बताओ तो। 0.2 ही होगा, है ना? सिंपल है ना बेटा, देखो 5 लीटर, 5 लीटर में 1 मोल है, 1 मोल KCl, हमको तो कहानी 1 ही लीटर का चाहिए ना कि 1 लीटर में कितना है, तो 1 लीटर में 1/5 मोल KCl, तो 1/5 मोल KCl है, तो 1/5 mKcl सॉल्यूशन, या इसको आप लिख सकते हो 0.2, ठीक है? ये कौन बताएगा इसका आंसर, देख कोई फंसे ना। 5/100, 5/100, हाँ 1/20, ठीक तो है, ठीक है, वेरी गुड, 1/20, वेरी सिंपल। देखो 5 लीटर में कितना है 0.25, तो 0.25 को 1/4 बोलेंगे, है ना? तो 1 लीटर में 1/4 इंटू क्या 5 हो जाएगी, तो 1/20, समझ गया? तो 1/20 mKcl, ओके? तो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट तो बहुत सस्ता और सुविस्ता कॉन्सेप्ट लगता है, बट इसका न्यूमेरिकल जब आता है ना तो सर चकड़ा देता है, मतलब एक अच्छा अच्छा क्वालिटी का न्यूमेरिकल बनता है इसका। देखो यदि आप लोग इसको ट्राई करोगे तो एक बार ट्राई करो, मतलब ऐसा नहीं है मैं बोलूंगा कि एक बार में आपसे बन जाएगा, ऐसी नहीं है, मतलब एक बार में नहीं बनती है, ये समय लेता है, ओके? ये चैप्टर समय लेगा बनने में, कोई भी अच्छा अच्छा 30 मार्क खान से ये चैप्टर एक बार में नहीं क्लियर हुआ। ये चैप्टर का रिलेशन बहुत सारे चैप्टर से, आपके सिलेबस में एक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है, वो पढ़ोगे तो फिर वापस इस चैप्टर में आना पड़ता है। चलिए तो हड़बड़ाना मत, अपने कॉन्फिडेंस को जिंदा रखना, मैथमेटिकल पार्ट नहीं बन रही है तो कोई रोने की जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा मैथमेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने का। देखो बेटा क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर 93% W/W सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। 93% W/W इसका मतलब क्या है, 93 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? बट भैया मोलैरिटी निकालने के लिए सर बोल रहे हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकले कहां से, यहां पे तो मास ऑफ सॉल्यूट कुछ दिया ही नहीं हुआ है, क्या करोगे? क्वेश्चन तो समझ आ गया ना आपसे, मोलैरिटी पूछी गई है किसकी, 1 लीटर 93% W/W सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका मतलब क्या है? आप समझ रहे हो ना, 93 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ओके? बट 100 ग्राम तो नहीं है यहाँ पे, 1 लीटर है तो कैसे निकालोगे? चलो आप सभी ने एक चीज तो पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सबको मालूम है? देखो yes, तो यदि मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से इनटू कर दूं, कितना है 1 लीटर सॉल्यूशन है ना, तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा ये बताओ मुझे, मिलेगा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, मिलेगा? मिलेगा। तो 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर इनटू 1000 मिलीलीटर कितना आ गया, 1840 ग्राम आ गया, किसका, पूरा सॉल्यूशन का मास। सर मेरा आंसर 0.05 m आ रहा है। नहीं नहीं वो सही नहीं है, ओके गॉट इट, अंडरस्टूड। तो ये है, तो आंसर छोड़ो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, 1840 ग्राम आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास 1840 है,
तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना परसेंट है? 93% होगा ना, होगा? तो आपको यहां से मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया कि नहीं मिल गया? यस, मिल गया बच्चों। अब मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? मानो यहाँ पे एक्स, yes. मानो यहाँ पे एक्स आया, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड याद करवाया हूं, 98 होता है, ओके। तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो निकल गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एक लीटर तो दिया होगा, डिवाइडेड बाई वन, एक लीटर डिवाइडेड बाई वन, क्या आप मोलैरिटी निकाल सकते हो? निकल जाएगा, सिंपल है ना। देखो ऐसे डेंसिटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो डेंसिटी से हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है क्वेश्चन में, डेंसिटी पूरा सॉल्यूशन का दिया हुआ था, तो पूरा सॉल्यूशन का डेंसिटी है, तो हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, सॉल्यूशन का मास निकल गया, तो उसमें 93% सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 93% निकाल दिया मास का, वो हो गई गिवन मास ऑफ H2SO4, गिवन मास बाय मोलर मास निकल गई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक लीटर। बनेगा कि नहीं बनेगा स्टूडेंट? yes. है ना, तो ये कहानी है, ये डेंसिटी वाले ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके ये वाला क्वेश्चन आया था IIT 2003 में, मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, देखते हैं कितना बच्चा इसको बना के लाते हैं। IIT 2003 में आया था ये क्वेश्चन। चलो ये वाला बताओ, ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, बना के बताओ। ये बहुत आसान है, मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला, बट सबको मैं बोलूंगा, देखो क्लास के एंड में मैं डिस्कस किया हूँ ये टॉपिक, तो आप लोग एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोग का दिमाग अभी थोड़ा सा मतलब नटखट टाइप है, एक घंटे में आप लोग थोड़ा हड़बड़ा जाते हो। कोई बच्चा हड़बड़ाया नहीं है ना अभी तक? आंसर इज बी सर। हाँ बी तो आंसर है, वेरी गुड। मोलैरिटी पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास, 4 ग्राम गिवन मास है ना, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, गिवन मास मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 होता है, 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम, ठीक है ना, 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सॉल्यूशन इन लीटर, तो 250 को यदि लीटर में करोगे तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, है ना, तो आप यदि इसको काटते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4। ओके आसान सी क्वेश्चन था। ml, आप देखो ml था, आप बोलो 1000 से क्यों किया बच्चों, आप लोग मालूम होनी चाहिए, मिलीलीटर से लीटर 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, इनटू 10^-3। ओके तो आई होप आज मैंने जितना डिस्कस किया थोड़ा सा, अब आगे मैं नहीं बढ़ना चाहता हूँ कि थोड़ी टॉपिक्स हैं, दम है उन सब टॉपिक्स में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं जो डिस्कस करूंगा वो थोड़ा आपके एनसीईआरटी से ऊपर चीज जाएगी, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल में जाएगा वो सारा चीज, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा माथा और मैं आपका चकराऊंगा, बट जितना मैं पढ़ाया उसको पढ़ के आना, मैं मोलैरिटी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए देयर इज अ बिग थैंक यू टू यू ऑल। ओके सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर। पूछना बेटा, पूछिए। हाँ सर, मतलब ये केमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक रेफर करना चाहिए स्पेशली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यदि मैं बोलूंगा, देखो स्टेप वाइज मेथड होती है, मेरी बात मानो तो पहले, अभी आप स्टेप वाइज करो, सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज बनाना, सुन लो मेरी बात को। देखो बेटा मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा दिया, हम लोग नॉर्मली चैप्टर 2 को पहले पढ़ाते हैं फिर चैप्टर 1 हम लोग पढ़ाते हैं,
ठीक है ना। तो चैप्टर टू मैंने पढ़ा दिया है, तो चैप्टर टू को आप लोग सबसे पहले उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाना, फिर एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक आता है, आपने सुना है क्या एग्जाम्पलर बुक स्टूडेंट? यस सर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक नहीं सुना है तो खरीद लेना, जाके मार्केट में मिलता है। तो पहले एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस सॉल्व एग्जाम्पल, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, फिर उसके बाद हम लोग जितना डीपीपी दे रहे हैं ना बेटा वो बनाओ। ओके, और बहुत ज्यादा मन किया आपको तो 30 इयर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन, वैसे हमारे डीपीपी में 30 इयर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड रहते हैं। ओके, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़े बड़े लंबे बुक के चक्कर में अभी मत पढ़ो, क्योंकि आप चाहोगे तो हाँ मोल कॉन्सेप्ट को आरसी मुखर्जी से बना सकते हो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक माना जाता है, बट अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मैं अभी आरसी मुखर्जी बनाने बोलूं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाएगा। तो सबसे पहले देखो सर, बेसिकली आई एम 12th पास आउट, सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग अबाउट द बुक्स। बेटा आप पास आउट है तो आप डायरेक्ट आरसी मुखर्जी बना लो अभी, यानी मूल कॉन्सेप्ट बनानी है तो आरसी मुखर्जी, और बाकी बच्चों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, डीपीपी और 30 इयर्स पीवाईटी। ओके यस सर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू सर, बाय बाय।